यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले समस्त स्टूडेंट का इस वीडियो में स्वागत है। यूपी बोर्ड ने पहली बार सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पर गणित का केवल एक प्रश्न पत्र कर दिया है। इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले स्टूडेंट असमंजस में है कि ये गणित का पेपर किस प्रकार का आएगा। तो आपकी इस समस्या के समाधान के लिए योगी सरकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा गणित का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। और ये जो गणित का मॉडल पेपर है उसमें कुल मिला के 9 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न जो होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न और तीसरा चौथा लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें पांचवा और छठा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सातवां, आठवां और नवां भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। अब मैं इस प्रश्न पत्र के बारे में डिटेल से बताता हूं कि ये प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा। चलिए अब इसको अच्छे से समझते हैं। मॉडल पेपर 2019 इंटरमीडिएट गणित, समय 3:15, पूर्णांक 100। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। सबसे पहला प्रश्न होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। ये प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, इसमें आपको कोई भी चॉइस नहीं होगी। कुल मिला के पहले प्रश्न में 5 नंबर होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो 5 नंबर का होगा, जिसमें आपको उत्तर को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका आपको डायरेक्ट उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 2 भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और ये भी अनिवार्य प्रश्न होगा, इसमें भी कोई चॉइस आपको नहीं मिलेगी। इस प्रश्न में आपको कुल मिलाकर 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और सभी को करना अनिवार्य होगा। इसको भी आपको कॉपी पे हल करके दिखाना है, लेकिन शॉर्ट में हल करना, ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचना है। प्रश्न संख्या 3 जो होगा वो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। इस प्रश्न में भी आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। इस प्रश्न में कुल मिला के 4 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी कुल मिला के क्वेश्चन नंबर जो 3 हुआ वो 8 अंक का हुआ। प्रश्न नंबर 4 जो होगा ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और इस प्रश्न में भी 4 प्रश्न होंगे। 4 के 4 प्रश्न आपको करने होंगे, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। प्रश्न संख्या 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी। यह प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा और कुल मिला के 6 प्रश्न होंगे, जिसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 6 भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। प्रत्येक प्रश्न ये 5 अंक का होगा, कुल मिला के 6 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रश्न संख्या 7 से आपको बम्पर चॉइस मिलेगी, अर्थात
प्रश्न नंबर 7 में 2 प्रश्न होंगे और केवल एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, वो भी एक प्रश्न होगा 8 अंक का। ये आपके स्कोरिंग बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8वीं दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसमें भी आपको बम्पर च्वाइस मिलेगी, यानी कुल मिला के 2 प्रश्न होंगे जिसमें से केवल आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यह प्रश्न भी आपके नंबर का स्कोर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नंबर 9 अंतिम प्रश्न है, इसमें भी आपको बम्पर च्वाइस मिलेगी, यानी कि 2 प्रश्न होंगे उनमें से केवल एक प्रश्न का उत्तर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। यह भी आपके नंबर का स्कोर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।